often used and has the तो समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाल पहुंची चुक्या छे अने हवे थोड़ी ज वारमां तेओ ध्वजवंदन करशे अने तेमनुं संबोधन पण शरू थशे। बंने तस्वीरो आपने बतावी रह्या छीए। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ज्यारे स्थल पर पहुंच्या त्यारे भारतीय सेनाना जवानोए तेमने भव्य स्वागत कर्युं अने बीजी तस्वीर में तमाम जे महानुभावो छे तेओ समारोह स्थल पर पहुंचेला जोई शकाय छे। पछी ए केन्द्रीय मंत्रीओ होय, सांसदो होय, धारासभ्यो होय के पछी दिल्ली सरकारना जेवी अलग अलग विभागोना कर्मचारीओ होय, तमाम लोको अत्यारे अहींया पहोंच्या छे अने हवे थोड़ी ज वारमां, थोड़ी ज मिनिटोनी वार छे, प्रधानमंत्री संबोधन करशे देशने। तो लाल किला पर पहुंचा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहे तेमनु स्वागत कर्युं। अहीं पहुंचता पहला प्रधानमंत्रीए महात्मा गांधीजी ने राजघाट पर जई पुष्पांजलि पण अर्पण करी। तस्वीरों में जोई शकाय छे के हाल जे समारोह स्थल छे त्यां मोटी संख्या में लोको पण पहोंच्या छे अने तिरंगाने सलामी आपवा माटे अने आ पर्व में सहभागी बनवा माटे दिल्लीवासीओ पण मोटी संख्या में उमट्या छे। बे अलग अलग तस्वीरों आपने बता रहा है जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचा छे ए लाल किला। आज के इस अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए कहीं हाथों में तिरंगा है, कहीं मन में उमड़ती भावनाएं हैं और सबको प्रतीक्षा। जब लाल किले की प्राचीर पर माननीय प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ये ऐतिहासिक अवसर होता है और सब उत्सुक रहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री किन योजनाओं और किन विचारों को वो देश के साथ साझा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड। तो देशभक्ति नो माहौल छवायेलो छे त्यारे हाल लाइव तस्वीरो प्रधानमंत्री ध्वजवंदन करी रहा छे। Wing Commander TVR Singh, the Guard Commander of the National Flag Guard, giving the command and the Guard marching away. और आकाश में B-17 हेलीकॉप्टर्स कार्यक्रम स्थल के नजदीक आते हुए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं आकाश से। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हुए ये क्षण
और उनके पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। Standing applause for the showering of flower petals. Smiles writ large on every face. હેલિકોપ્ટરથી પુષ્પ વર્ષા કરવામાં આવી સમારોહ સ્થળ પર અને હવે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરવા જઈ રહ્યા છે. લાઈવ તસવીરો આપને બતાવી રહ્યા છે દિલ્હીના લાલ કિલ્લાના પ્રાચીરથી, જ્યાં તમામ મહાનુભાવો અત્યારે ઉપસ્થિત છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ ઉપસ્થિત છે. તેમણે તિરંગો લહેરાવ્યો. લાલ કિલ્લા પર તિરંગો લહેરાવ્યા બાદ હેલિકોપ્ટર દ્વારા સેનાના જવાનોએ પુષ્પાંજલિ કરી અને તમામ લોકો પર પુષ્પ વર્ષા કરી અને તાળીઓના ગડગડાટથી આ પુષ્પ વર્ષાને વધાવી. 75 વર્ષ પૂર્ણ હોને પર દેશવાસીઓ કો અનેક અનેક શુભકામનાએ, બહોત બહોત બધાઈ. न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है. मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं. आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है. एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर.